ओके गुड इवनिंग सभी लोगों को अभी हमने ग्रुप पर मैसेज किया है कि मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिस्कशन हम लोग आज के दिन करेंगे वॉल्यूम्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और एक डीप uh, डाइव करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अच्छा जब मल्टी टाइम फ्रेम पर आते हैं तो एक होता है लाइक टॉप डाउन टॉप से लेकर के हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो भी आपको रखना है मतलब आप इसमें रख सकते हो लाइक कि वन वीक से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इसकी वन वीक वन वीक के बाद में आता है फिर वन डे वन डे के बाद में आता है आपका आवरली पर हम लोग उतर आते हैं तो आप आ जाओ फोर आवर पर <laughs> फोर आवर्स के बाद में आपका आ, वन आवर और फिर जो भी आपके एंट्री लेने के पैटर्न है एंट्री लेने वाला जो टाइम फ्रेम उसके ऊपर आप आ उसमें हम लोग रख सकते हैं मिनट टाइम फ्रेम को इस तरह से हम लोग टॉप डाउन टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं अच्छा आज जो भी चीजें हम बताएंगे ना इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ओवरऑल जब आप एनालिसिस करने बैठोगे और जब हम आपसे ट्रेड एग्जीक्यूट करने को बोलेंगे या जो लोग ट्रेड कर भी रहे हैं ना ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी शुरुआत से ही इसका ध्यान रख क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस एक तरह से जैसे भी हमने आपको बताया कि जनरली जो, जो सबसे ज्यादा हम लोग काम करते हैं वो वन डे ये वाले जो टाइम फ्रेम होते हैं ना ये हमारे काम को और भी ज्यादा स्ट्रोंग या कहें कि एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन या कन्विक्शन दे देते हैं लाइक के कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं एक प्रोफेशनल यूज क्या होता है इनका एक प्रोफेशनल तरीका क्या होता है काम करने का अगर हमें वन वीक टाइम फ्रेम यूज करना है वन डे का टाइम फ्रेम यूज करना तो वन वीक का क्यों यूज करना है, तो यूज करना है? ही कि बस किसी ने कह दिया और आपने वन वीक का टाइम फ्रेम लगा लिया क्यों यूज करना है वाई ये दो क्वेश्चन है सबसे पहला क्यों दूसरा कैसे अगर नहीं पता है ना आप पूरा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो पूरी मार्केट में कोई भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो किसी भी सेगमेंट को काम कर रहे हो किसी भी सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हो आप कुछ भी हरकत करने से पहले मार्केट में कोई भी एक्शन लेने से पहले आप ये दो क्वेश्चन कर जरूर लेना अपने आप से अगर इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर आपके पास नहीं तो इसका मतलब कि फिर वो एक्शन आप लोगे न अगर हम लोग वन वीक का टाइम फ्रेम यूज करें तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव मिल जाए कि जिससे समझ में आ जाए हायर टाइम फ्रेम पर एक्चुअली क्या हरकतें चल रही वीकली टाइम फ्रेम अच्छा पूरा लाइक के प, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं ना

डायरेक्शंस वही हैं ऐसा तो नहीं है कि वीकली पर तो ये डायरेक्शंस हमको दिखा रहे है डाउन ट्रेंड डेली पर दिखा रहे है डाउन ट्रेंड और फोर आवर पर हो रहा है इसका अप ट्रेंड ये अप ट्रेंड हो रहा है ये अप ट्रेंड हो, हो रहा है और ये ट्रेंड हो रहा है अगर इस तरह के मिसमैच मिल रहे हैं तो फिर काम नहीं करेंगे यही फायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का टॉप डाउन का और ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है काम करने अभी बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन वीक कुछ फॉर्मेशन भी हम बताएंगे आपको फिक्स्ड फॉर्मेशन होंगी काम करने से पहले उन फॉर्मेशन को आप देख लेना लोअर टाइम फ्रेम पर हो चाहे हायर टाइम फ्रेम पर अभी हमने लिखा आपको की एक डायरेक्शन हमें समझ में आना चाहिए जैसे ये वाला एक डायरेक्शन समझ में आ जाए तो वीकली के अकॉर्डिंग हमें किस तरह के डायरेक्शन समझ में आते हैं अगर हम वीकली टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, तो किस तरह के समझ हैं? एक के हम लोग जनरली करते क्या है वीकली के देते हैं, सिर्फ सुनना नहीं इसको। कुछ अगर आपको इसके अंदर कुछ तो उनको करते चले कोई भी लोग जो क्लास के अंदर है हम रिकॉर्डिंग देने वाले नहीं किसी को अच्छे से देखना सिर्फ हम रिकॉर्डिंग उन्हीं को देंगे जो क्लास बाई चांस मिस कर रहे हैं या किसी रीजन से क्लास के अंदर नहीं है क्लास में अगर हो हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे दो चार पाँच लोगों का चलता है चलो समझ में आता है रूरल एरिया में रह रहे हैं नेटवर्क अच्छे नहीं है या आपको डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार देखो तो जेनविन जो चीज़ें होती हैं उतना हम भी समझते हैं कुछ ऐसा इश्यू तो हम दे देंगे लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि दस लोग क्लास के अंदर तो दस के दस हमसे कहीं नहीं हमको भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो फिर मतलब क्या हुआ इसका तो उसको लिखो कुछ अगर प्रॉब्लम आई कुछ क्वेश्चन है तो उनसे पूछ लो ध्यान से अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठे उसको नोट करते चलिए क्योंकि हमें भी नहीं पता हम क्या आगे बात से बात निकल रही है कोई भी एनालिसिस अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको तुम क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप हमसे पूछो कि हम क्या पढ़ाने वाले अगले दस, अगले दस से पंद्रह मिनट तो हमें तो नहीं पता है तो सारी चीजें क्या कनेक्टिंग है एक दूसरे से देखो अब हमने वीकली कैंडल ड्रॉ कर दी तो वीकली कैंडल का हम हाई लो आपको बता देंगे तो जब हाई और लो हम आपको बताएंगे तो उसके बाद में फिर आपका और नए नए कॉन्सेप्ट निकलेंगे तो बात से बात निकलती चली जाएगी उससे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रीवियस वीक प्रीवियस वीक भी इसको कह सकते हैं और जो अपना लास्ट वीक है अच्छा लास्ट वीक का क्या हम लोग वीकली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एक ये सबसे पहला मेथड है वीकली कैंडल को यूज करने का ये फर्स्ट मेथड है प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिए अच्छा प्रीवियस कैंडल का हाई और लो क्यों मार्क किया क्योंकि एक मिथ ये आप कह सकते हो थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रीवियस वीक का जो हाई होता है वो बहुत अच्छा एक लो सपोर्ट होता है प्रीवियस वीक का ये सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है, है ये पता कैसे चलता है तो हमने ये तो देख लिया कि हमने प्रीवियस वीक के अपने लोज और हाई मार्क कर लिए इसके बाद में ये देखना होता है रनिंग वीक जो हमारा गया है जो नीचे की तरफ जब हम उतरेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर के जब उतर तो हमें ये देखना होता है वीकली कैंडल को मार्क करने के बाद में यहाँ पर मूव किस तरह से किया है प्राइस ने डे टाइम फ्रेम इस जगह पर मूव कैसे प्राइस प्रीवियस वीक के लो पर बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट ले रही है अच्छी तरह से रेजिस्ट कर रही है एक शब्द देखो हम बार बार यूज करें अच्छी तरह से या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनकी पहचान कैसे होती है सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो आंखें बंद करो एक लाइन ड्रॉ करो इमेजिन करो कि उस लाइन पर प्राइस अगेन एंड अगेन टच होकर नीचे गिर रहा, टच हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट क्योंकि ये ड्राइंग है मेरे हाथ में माउस है एंड पेन है हम कैसे भी ड्रॉ कर देंगे लेकिन जब आप एक्चुअली मार्केट में काम करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की हरकतें भी दिखाई पड़े ऐसे ऐसे करके अगर इस तरह के मूव्स आपको दिखाई भी तो आप ये चलो कि फिर ये काम करने लायक नहीं है थोड़ा वीक से जब हम उतर के आ रहे हैं, तो देख रहे हैं जो भी लेवल हमने ड्रॉ किया है डे टाइम फ्रेम पर वहां पर किस तरह के मूव मार्केट कर अगर इस तरह के मूव हो रहे हैं तो अब हम इस वीकली कैंडल के हाई या फिर वीकली कैंडल के लो को Consider करते हैं क्लियर ना ये हमने कितने पर किया है ये काम हमने किया था डे टाइम फ्रेम पर ये भी और बाकी आप इसको भी मान सकते हो ये वाला जो एरिया अब आप आवर आवर टाइम फोर आवर टाइम फ्रेम पर क्या है बहुत ज्यादा कुछ नहीं सेम चीजें हैं जो यहाँ पर भी हुई फोर आवर पर आपको उतराओ आप क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस अगर इतनी अच्छी तरह से रिएक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली आप देख लेना की फोर आवर पर भी प्राइस ऐसे ही रिएक्ट करेगा इसी तरह से लेकिन बहुत ज्यादा बार होता है कि डे टाइम फ्रेम पर तो ये रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ेगा लेकिन फोर आवर पर आपको फिर बहुत ज्यादा पर एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई पड़ते कई बार हमने देखा है मतलब सैकड़ो एग्जाम्पल हमने देखे हुए इसके आप ऐसे बैठोगे सोचोगे इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हाँ ऐसा हो सकता है जब आप फील्ड में उतरोगे ना काम करने के लिए तो समझ पाएगा नहीं दिखाई पड़ेगा ये सामने होते हुए दिखाई पड़ेगा कि डेली पर तो समझ में आ रहा है लेकिन फोर आवर पर मामला बिगड़ गया अगर मामला बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो फिर आप वही चीज उसको डिनाई कर दोगे हम काम नहीं करेंगे इसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करने का एक छोटा सा बहाना चाहिए ट्रेड करने का बहाना अपने आप मिल जाएगा अगर आपको इतने सारे फिल्टर्स लगा देने के बाद में भी ये ऐसा लग रहा है कि नहीं हम ट्रेड कर सकते तो फिर आप करो ये चार चार पांच पांच फिल्टर हम इसीलिए लगा रहे हैं सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं ताकि अपने पास ट्रेड की जो क्वालिटी है वो बढ़ के आए और क्वांटिटी यहाँ से कम अभी वॉल्यूम स्पिन के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे ये कितने पर था ये था अपना आवर टाइम सुन लीजिए पहले पहले पूरा सेम वन आवर पर भी एरिया ड्रॉ किया आप ध्यान रखना मतलब ये चीज फिक्स है कि आपको किस तरह के प्राइजेक्शन देखने है? या मार्केट में एक्चुअली आप देख क्या रहे हो हमें इस तरह के प्राइजेक्शन चाहिए आवरली पर भी और फिर आता है सबसे लास्ट फाइव मिनट टाइम ये फर्स्ट मेथड है देखो अभी इसका सेकंड मेथड भी है इन टाइम फ्रेम्स को यूज करने का वो थोड़ा सा यूनिक है और ये बहुत सिंपल सा है ये वन आवर टाइम फ्रेम तो आवर पर भी सेम चीज है अब फाइव मिनट टाइम फ्रेम आ जाता है फाइव मिनट पर हम लोग ज्यादा कोई कुछ ड्रामा नहीं करते हैं फाइव मिनट पर हम सिर्फ अपनी एंट्री लेते हैं जैसे जैसे हमने देखा यहाँ पर कि प्राइस अपने हाई से नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ पर भी देखा हमने कि प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ गिर रहा है डे टाइम फ्रेम फोर आवर पर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारे लेवल से टच होकर के नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करेंगे

टूटना चाहिए अगर वो सपोर्ट टूट रहा है तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ये फॉर्मेशन है अभी सब जो लास्ट का डिस्कशन होगा ना उस पर फिर हम नेक्स्ट लाइन को देखेंगे अच्छी तरह से ये बहुत सिंपल एक तरह से आप इसको बहुत फर्स्ट uh, क्लास की चीजें हैं ये वो मेथड्स हैं जैसे हम आपसे बताएं इनको आप ये मान के चल सकते हो कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अब जैसे आप डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहे हो निफ्टी है बैंक निफ्टी है तो उसमें इस तरह के प्राइजेक्शन के लिए बहुत वेट करना अच्छा ये उनका डिमेरिट भी है आप निफ्टी बैंक निफ्टी को हमेशा ट्रेड करके वहां से पैसा नहीं बना सकते तो बाकी सारी बातें आप सब लोग जानते हो तो क्योंकि दो ही तीन चार्ट है कितने प्राइजेक्शन दो चार्ट में बन जाएंगे तो बहुत समय लगता है नए प्राइजेक्शन बनने में गिने चुने चार चार्ट अच्छा स्टॉक्स के अंदर क्या है कि फिर वैरायटी ऑफ चार्ट्स हमारे पास है ढेर सारे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है खाली एफ के अंदर आ जाओ तो डेढ़ सौ से ऊपर के हमारे पास चार्ट निकल के आ जाते हैं कहाँ पांच कहाँ डेढ़ सौ और सिर्फ एफ में हम ये हम कैश सेगमेंट में तो गए ही नहीं आप एफ में आओगे ना आपको डेली कुछ ना कुछ चार्ट्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए और अच्छा मूव मिलेंगे इन सारे सिस्टम्स को अप्लाई करके काम कर दोगे जनरली जाते तो हम लोग प्राइजेक्शन्स को ही ट्रेड करने ना लेकिन ऑप्शनस को क्या बना दिया गया ना है कि इसको 25 तरह के स्टाइलिश नाम दे दिए गए आप स्ट्रेडल कर लो आप स्ट्रैंगल कर लो आप इधर से हैच कर लो उधर से बाई कर लो इधर कॉल कर लो उधर पुट कर लो प्राइजेक्शन्स वगैरह क्या है सब फालतू की चीज़ें सीख रहे हो आप आउट ऑफ द मनी बाई करो आउट ऑफ द मनी में जा करके इतने का जो प्रीमियम है उसको सेल कर दो इधर से इसको बाई कर लो तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा आप इन द मनी कर लो समझ रहे ना हम क्या चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं मतलब प्राइजेक्शन्स तो गए वो एक वो चूल्हे में गए से मतलब नहीं है आप, आप इस तरह से काम करो और ये चीज बहुत एक्सपीरियंस के साथ हम आपसे बोल रहे हैं ही नहीं कि मन में आया बस हम हम बोलने लगे ये चीज़ हम अभी से नहीं बोल रहे बहुत दिन दिन से बोल रहे दिन बहुत सालों से हम बोल रहे हैं करीब चार साल पांच साल तो आप लोग देख रहे हो कि लगातार हम ये चीजें बोलते चले आ रहे हैं अभी हम ये बातें क्यों करने लग गए ये सब सारी चीजें हम बताएं और पता चले कि आप क्लास के दौरान या क्लास खत्म हो जाने के बाद में जब ये पूरा अपना सेशन वगैरह खत्म होगा वापस से जाकर के भी आप फिर से ऑप्शन के ऊपर सारी चीजें अप्लाई करने लोगों तो गड़बड़ हो जाएगा फिर जितनी मेहनत आप यहाँ हो या जो हम कर रहे हैं जो आप समय दे रहे हो ना जो भी आपका हार्डवर्क हो रहा है ये सारा फिर यूजलेस हो जाएगा इस तरह की चीजें मत करना आराम से काम करो पहले स्टॉक्स पर एक बार प्रॉफिटेबल हो जाओ स्टॉक पर प्रॉफिटेबल हो जाने का मतलब ये रहेगा कि फिर टेक्निकली आप मजबूत हो गए अब आप दुनिया की कोई मार्केट ट्रेड करो लेकिन जब तक टेक्निकली मजबूत नहीं हो जाओ ना तब तक फिर इसको छोड़ करके कहीं पर भी मत जाओ और जिस तरह से हम बताएंगे ना बिल्कुल वैसे काम करते रहे प्रॉफिट में ही निकलोगे आप निकालेंगे में प्रॉफिट में ही बस प्रैक्टिस करते रहो जैसे लास्ट वीक हमने देखो एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी उसमें से कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन है कि अब आगे क्या हमने तो देख लिया अच्छा देख तो लिए आगे आगे क्या क्वेश्चन कर देने से बात नहीं बन जाएगी जो एक्सरसाइज हमने करने के लिए दी थी वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी बस आपका काम खत्म उस लाइन पर लोअर टाइम फ्रेम पर रिएक्शंस कैसे कर रही मार्केट इसको ऑब्जर्व करने की एक्सरसाइज थी लास्ट वीक की जो हमने संडे को आपको करवाई थी और उसी तरह से आज भी हम जो एक्सरसाइज आपको करने के लिए देंगे पूरे वीक हो गया ऐसा नहीं कि आपने वीकली पर ड्रॉ कर लिया डे पर ड्रॉ कर लिया लेकर के आप बैठे हो नहीं सारी चीजें ऑब्जर्व करो देखो अब जो लेवल आपका निकले ना उस लेवल पर देख लोअर टाइम फ्रेम पर उतरो और देखो के प्राइस वहां पर रिएक्ट कैसे कर रही आप जो भी लेवल ड्रॉ करो मार्केट में वो लेवल किस तरह की अहमियत रखते हैं क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आगे चलकर कर जब हम आपसे कहेंगे कि चलो ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाओ तो आप ये ना कहो ये तो सब नया नया है मेरे लिए या ये जो लेवल निकल ले ये सब नए नए हैं तो बहुत फोकस्ड होकर के अच्छी तरह से काम करोगे ना कर ले जाओगे हंड्रेड परसेंट कर ले जाओ होगा वापस से करता है? कि नया ट्रेडर होता है ना वो हमेशा रेजिस्टेंस पर सेल करता है आपने देखा होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस पर सेल करेगा और जब उसको बाई करना होगा तो वो क्या करता है ना सपोर्ट पर बाई करता है हम लोग थोड़ा सा अपोजिट काम करने की कोशिश करते हैं अगर हमें सेल करना है तो हम कोशिश करते हैं कि जो सपोर्ट पॉइंट है सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो तो हम शॉर्ट करें कब करना है देखो काम वही करेंगे कि ऐसा नहीं है, हम लोग ये ये वाले जो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ से बाई कर रहे हैं ये वाले जो सपोर्ट पॉइंट है शॉर्ट करें नहीं हम यहां से बाई ही करेंगे लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम पर उतरते हैं ना तो लोअर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करते ही करते हैं वो सपोर्ट ब्रेक हो, होता है तो ही शॉर्ट करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम बाई करें इतना सा काम करना होता है तो पूरा अप से लेकर के डाउन तक हम उतरे हमने प्राइस को एक जगह पर देखा कि अब हम सीधे मिनट के टाइम फ्रेम पर उतरे हमने अपनी फॉर्मेशंस देखी फॉर्मेशंस के थ्रू हमने ये देखने की कोशिश की प्राइस में सपोर्ट ब्रेक हो जब हमने देखा कि हाँ अभी सपोर्ट ब्रेक हो रहा है हम लोग कर देते हैं शॉर्ट विच इज कॉल्ड सिंपल वे में एक एक सिंपल मेथड अप्लाई कर लो ट्रेड कम होंगे लेकिन आप देखना बहुत जेनुन और बहुत एक तरह से क्वालिटी ट्रेड्स होंगे आप ये तो एक चीज रहे अब फटाक से आप लोग काम करिए रिजन कीजिए आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी इसके अंदर देखो वॉल्यूम्स भी हमें इंक्लूड करने हैं जो ये फर्स्ट मेथड था ये बहुत सिंपल मेथड है आगे मैथडे थोड़ा सा एक उसको और अच्छा एक क्या बोल सकते हैं कि डिटेल एनालिसिस इसके ऊपर करेंगे और रेक्स डेक्स फॉर्मेशन जो है ना इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ ये तीन काम हम लोगों को करें हिंदी का एक शब्द है एक हमें स्टॉप पॉइंट चाहिए होता है जहां पर प्राइस थोड़ा सा रुके और उसके अंदर एक तरह से कह सकते हम लोग के वो ठहराव दिखाई पड़े इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं एक साइलेंटनेस ये दिखे देखो ये जो भी शब्द हम यूज कर रहे हैं ना ये आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिले ये चीजें आपको खुद महसूस करनी पड़ेगी टेक्निकल से ज्यादा ट्रेड एक आर्ट एक हद तक ही हम इसे परिभाषित कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं और वो हद बहुत जल्दी खत्म हो जाती है फिर हमें आगे चल करके कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती ना कि हमें फिर आपको इशारों में बतानी पड़ती इशारों में बताने का एक रीजन है क्योंकि उसे हम शब्द नहीं दे सकते हमें उसे इंडिकेट करना पड़ता है उसको लेकर के हम क्या महसूस कर रहे हैं इसे हमें बताना पड़ेगा आपको और ये समझने की कोशिश करना हो सकता है एक बार में ना समझ में दूसरी बार में ना समझ में तीसरी बार में समझ में आएगा नहीं आएगा तो चौथी बार में समझ में आएगा लेकिन जब तक समझ ना आए तब तक कोशिश जरूर करते रहो और मन में ये मान करके मत बैठो कि ये हो ही नहीं सकता ये जो साइलेंटनेस होती है ना प्राइस की एक जो ठहराव होता है हिंदी का जो शब्द है ना ये बहुत फिट बैठता है इसके अंदर वो ठहराव ठहराव हो, प्राइस आप देखते हो कई कई बार तो ऐसे भागता हुआ दिखाई पड़ता है अब भागती हुई गाड़ी के पीछे तो हम लोग नहीं भागेंगे वो गई वो छूट गई अगर हमें उसे पकड़ना है तो फिर उसे एक जगह पर बैठना होगा शांति के साथ में हमें उसको उसका वेट करना होगा वो रुके रुकेगा और रुकने के बाद में जब उसके पास में प्राइस आएगा ना लेवल्स के पास में जब प्राइस आएंगे ना तब फिर आगे चल करके हम लोग नया स्टेप लेते हैं वीकली का जो टाइम फ्रेम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करने जाओ तो देखो कि इसके अंदर हमें ठहराव दिखाई देना चाहिए वो रुका हुआ हो वॉल्यूम्स के थ्रू हम इसे कैसे मेजर करते हैं सपोर्ट पर सपोर्ट के कन्फर्मेशन सपोर्ट कन्फर्मेशन कैसे होते हैं हमने एक एरिया ड्रॉ कर दिया है जैसे यहाँ पर हमने एक एरिया ड्रॉ कर दिया है ना या आप मान करके चलो कि ये एक सपोर्ट पॉइंट है यहाँ पर प्राइस आकर के रुका ऊपर गया वापस से प्राइस मारा करके रुका अच्छा सपोर्ट किस तरह के होते हैं कि जैसे ही प्राइस आपका आपके लेवल को टच करेगा वैसे ही इसके अंदर आपको दिखते हैं वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट वॉल्यूम्स ब्रेकआउट प्राइस अप में गया लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ आएगा ना आप देखना कि आपको इसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट दिखेंगे टच हुआ वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट टच हुआ वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट तो ये जो भी आप लेवल ड्रॉ करो आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पर आपने ड्रॉ कर दिया और उसके अंदर अब अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आपने लेवल एक तरह से सही डिफाइंड किया है आप इसके ऊपर आगे काम कर सकते हो ये होता है सपोर्ट पर सपोर्ट के कंफर्मेशन ये काम हमने कितने पर किया है वीकली वीकली टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम पर पर देखो है हमने दो काम किए सबसे पहला आ, हमने इसके अंदर अपने किया और प्राइस हमारे लेवल पर रुका है या नहीं वो जो स्थिर था हम बार बार बोल रहे हैं हमने उसको देखा थोड़ी देर के लिए देखने के बाद में अब हमने वॉल्यूम्स की कन्फर्मेशन इसके अंदर ली उसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हमने ये चीज समझी ये काम कितने पर किया हमने वीकली टाइम फ्रेम पर अब हम लोग उतर के आते हैं डे टाइम फ्रेम वन वन डे टाइम फ्रेम पर क्या करना है आप काफी इंपॉर्टेंट काम होता है वो वन डे टाइम आपको याद होगा एक फॉर्मेशन हमने लास्ट वीक आपको पढ़ाई थी फॉर्मेशन का नाम क्या था वी एस फॉर्मेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम्स के कुछ स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं वो वॉल्यूम्स स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं कि शुरुआत में सेम कलर हमें चाहिए होते हैं और जो थर्ड कलर होता है मेरा वो डिफरेंट होता है सेकेंड वाली जो वॉल्यूम होती है फर्स्ट से ज्यादा और जो दूसरी वाली बनती है इसकी क, जिसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा तो इस तरह से वी एस ए का मेरा सेकंड वर्जन बनता है अच्छा यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर इस तरह के हमको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसका यही मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम पर आपको अब आ, आ, सेम फॉर्मेशन लाइक जो वी एस ए का फॉर्मेट है ना ये आपको देखना होगा डे दे टाइम फ्रेम पर समझ में है ना वीकली पर हमने अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए अब जैसे ही हमने टाइम फ्रेम चेंज किया वो नीचे की तरफ आया वहां पर हमें देखना बी बीएसए का सेकंड वर्जन डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम हमें अपना निकाल लिया तो फॉर्मेशन हमने देखो लास्ट वीक आपको बहुत अच्छी तरह से बताई है पूरी वीक हमने आपकी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाई है उसके प्रोजेक्ट्स भी जो आप लोगों ने सबमिट किया सभी हमने देखे बताए भी सब लोगों को सभी लोगों ने जो मार्किंग्स थी वो ठीक ठाक लगभग सही मार्किंग की है ना वो धीरे धीरे करके भी और बेटर होंगी है ना इसकी इस में जितनी भी चीजें बताई थी तो अभी बीएसए को इतना हम डीप में आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीक जो क्लास हुई अपनी वो इसी के ऊपर थी तो अभी जम्प करेंगे डायरेक्ट हम लोग इसके ऊपर अब मान लीजिए प्राइस उसके ऊपर गया हमने लेवल अपना ड्रॉ कर लिया और बीएसए का सेकंड वर्जन अपना यहाँ पर फॉर्म हुआ अब देखो करना क्या यहाँ पर ये जो तीन कैंडल्स अपनी बन रही है हमने कुछ स्विंग से रिलेटेड आपको छोटी छोटी बातें बताई थी कि इसका स्विंग इंपॉर्टेंट होता है चाहे वो हाई हो या फिर वो लो हो अब इन तीनों में से कोई भी कैंडल हमारे लेवल को अगर टच करती है तो ये कंफर्मेशन होता है हमारे लेवल के सही हो इन तीनों में से कोई भी कैंडल अगर आपकी वीकली कैंडल के हाई को टच करे तो आप ये मान करके चलो ये डेली टाइम फ्रेम पर हमें इस जगह पर रेजिस्टेंस के रेजिस्ट होने की कंफर्मेशन दे रही है रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के और सपोर्ट पर सपोर्ट होने के होते हैं प्राइस नीचे की की तरफ तरफ गिरा गिर के जब की तरफ आ रहा है, क्योंकि टच करेगी करेगी कोई ना कोई कैंडल अच्छा जो भी कैंडल टच कर रही है वहां पर हमें क्या चाहिए इस तरह की formations. ये formations अगर हमें दिखाई पड़ रही ना तो आप ये समझ के चलो फिर आगे हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर वे में रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ और हम इसके ऊपर रिस्क ले दूसरा होता है प्राइस को रीड करने का तरीका उस तरीके के अकॉर्डिंग लाइक के हायर हाई हो गया या फिर लोअर लो पॉइंट हो गया है ना हायर हाई लोवर लो इसके बाद में आगे चल क्या आता है अपना अच्छा ये प्राइस को रेट करने का दूसरा तरीका होता है अभी क्या है एक फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग फिक्स्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे बी पर पर ना उसी का से कई सारे से पास है। तो उनमें से सिर्फ एक है अभी जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे तो हो सकता है कुछ हमें ये दिखाई ही ना पड़े वीएसए का सेकंड वर्जन दिखाई ना पड़े वहां पर कोई और वर्जन होंगे अभी तो हम यही कोशिश करेंगे कि वीएसए के सेकंड वर्जन के थ्रू आपको एक्साम्पल और अच्छे से समझ में आएगा फिर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाओगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको उसके अंदर अच्छे से आप काम भी कर पाओगे लेकिन अभी जैसे बी एस का सेकंड वर्जन है इसी तरह से और भी कई सारे वर्जन आपको धीरे दिर धीरे करके हम बताएंगे कि अभी आज के लिए फिलहाल हम बी को ही देख रहे हैं सेकंड वर्जन जो है बी का तो इस तरह से हमने क्या किया कि डे टाइम फ्रेम पर अपने सपोर्ट देखो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमने वॉल्यूम्स का यूज किया

थर्ड कैंडल बिल्कुल अपोजिट होती है फर्स्ट वाली कैंडल के अगर फर्स्ट कैंडल हमारी रेड है थर्ड वाली कैंडल ग्रीन होगी फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो थर्ड कैंडल रेड होगी थर्ड कैंडल अपोजिट होती है हमेशा अच्छा इतनी चीज याद रखना अब हम इसको लिखेंगे थोड़ी देर में भी अच्छा ये तो उन तीन कैंडल्स के अपने फॉर्मेट्स हो गया जो तीनों कैंडल्स कौन सी रहती हैं अब इन तीनों कैंडल्स में से टोटल जो अपनी रेक्स लाइन फॉर्मेशन है ये रेक्स लाइन फॉर्मेशन भी होती है टोटल थ्री टाइप ऑफ फॉर्मेशन तीन तरह की थ्री टाइप्स लाइक सबसे पहला जो होता है नॉर्मल समझ रहे ना फाइव मिनट टाइम फ्रेम चल रहा है ये भी अब हम धीरे धीरे करके ड्रॉ करेंगे अच्छे से उसको देखिएगा फर्स्ट कैंडल कैसी भी ग्रीन हो चाहे रेड हो लिखा है ना फर्स्ट कैंडल किसी भी तरह की नॉर्मल कैंडल रहेगी चाहे ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है ओके सेकंड कैंडल ग्रीन हो हो चाहे रेड वो रिजेक्ट reject, रिजेक्शन uh, के साथ में होनी चाहिए अगर फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बन रही है तो जो रिजेक्शन होगा ना वो अपड से ही आपको दिखेगा हर बार रिजेक्शन कलर कोई भी होगा रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है लिखा ना ग्रीन और चाहे रेड बट जो रिजेक्शन हो, uh, होता है ये कंपल्सरी अच्छा थर्ड कैंडल शुड बी क्लोज बिलो कैंडल और थर्ड कैंडल का जो कलर रहता है वो अपोजिट होगा

तो ये 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 फॉर्मेशन में आ जाएगी। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड है, ये है, है वीक ना? तीनों को लिखने के पीछे का रीजन क्या है सिंपल वे में मैं नहीं बता सकते थे कि रेक्स लाइन है तीन तीन चीजें क्यों कंफ्यूज करने के लिए तीनों फॉर्मेट बताने के पीछे का रीजन ये है कि हम लोग इस वाली फॉर्मेशन को नहीं मानते बेइनवेलिड फॉर्मेशन है हम इसका यूज ही नहीं करते क्योंकि ये वीक फॉर्म हमें चाहिए या तो इस यूज इसका सीधे के इस तरह से यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम्स के कुछ यूज होंगे में के क्या रोल होगा किस तरह से वॉल्यूम्स को देखते हैं अभी हम कुछ नहीं बताएंगे ये आने वाली क्लासेस में आपको मिलेगा अभी के लिए ना बहुत सारी चीजें हो गई आपके पास प्रैक्टिस करने बैठोगे तो करीब एक हफ्ते से ऊपर का समय जाएगा पूरा फॉर्मेट प्रैक्टिस करने में बताने में ज्यादा समय नहीं लगता है एक घंटे के अंदर अंदर सब क्लियर हो गया अब जो भी चीजें बताई गई हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो लिखो रिकॉल करो अभी हम लोग चार्ट पर चलेंगे सीधे और चार्ट पर एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे रेक्स इंफॉर्मेशन याद रखना अच्छा है एक बात और यहाँ पर हमने सिर्फ एक फॉर्मेट लिखा है ड्रॉ किया दूसरा फॉर्मेट हमने ड्रॉ नहीं किया है दूसरा फॉर्मेट कैसा होगा जैसे एक ब्लैक कैंडल होगी सेकंड कैंडल हमारी रिट्रेसमेंट के साथ होगी है ना अपोजिट कर दो इस तरह से सारी इफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे हम बताइए सर ये ये पूछा था ये पूछा था था कि मेरी सारी कि क्या जरूरी है कि जैसे ये तीनों में मतलब जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है मतलब फर्स्ट वाली कैंडल का चाहे विक हो चाहे थर्ड वाली का कैंडल हो दोनों किसी को सरपास नहीं करना चाहिए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना नहीं जैसे कि ये देख रहे हैं जैसे फर्स्ट कैंडल में आपका फर्स्ट वाला जैसे स्टैंडर्ड वाला है ठीक है इसमें दोनों की विक जो है वो दोनों एक ही एक ही जगह से है एक ही जगह पे बट अगर हम देख रहे हैं सेकंड और थर्ड में ऐसा तो नहीं है ना कि इसको सरपास नहीं करना चाहिए नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं वो तो हम ड्रॉ तो, तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अभी आप देखने हाँ। जाओगे मार्केट में तो सकते हैं एक की विक यहाँ पर हो एक कि विक यहाँ पर हो एक कि विक नीचे हो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं ना चार्ट पर देखते हैं चलिए मीटिंग एंड हो जाए फटाक से रिजन कर लीजिएगा ये देखो जैसे पेडी लाइट है यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस इस एक जगह पर अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है करेंट मार्केट जो चल रहा है इस तरह से कुछ रिएक्शन हो रहा है ये भाग रहा है ना ऊपर की तरफ और एक देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा की प्राइस हमारा रुका हुआ है डिफरेंस समझ में है ना दोनों में हम लोग ये चीजें ट्रेड नहीं करें इस मेथड के अकॉर्डिंग ये नहीं ट्रेड क्या होगा अब मैं ऐसा चार्ट फाइंड करना होगा ना जिसमें इस तरह के प्राइजेक्शन फॉर्म हो रहे हो तो हम करेंट चार्ट लेंगे रेन इंडस्ट्रीज अभी आप जो है ये वाला है हम लोग ले लेते अब देखो कि प्राइस कर क्या रहा है बिल्कुल इसी जगह से ये रिएक्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है ना इस वीक यहाँ तक नहीं पहुंच लेकिन पिछले चार हफ्ते से प्राइस हमारा एक ही लेवल से बार-बार रिजेक्ट हो रहा है एक महीना हो गया ना लगभग लगभग इसको एक ही जगह पर काम करते हुए अब हम लोग कम से कम इतना तो समझ गए ना कि प्राइस एक जगह अपना ठहराव के साथ में है दिख रहा है अब आप उतारो वो वन डे इसी लेवल के पास हो बिल्कुल कि प्राइस इस जगह पर क्या कर रहा है कैसे रिएक्ट इसके प्राइस कैसे हो रहा है ना ये अब आगे जाकर के भी अगर प्राइस इस जगह पर आता है तो चांसेस क्या रहेंगे फिर फिर नीचे गिर जाए अगर लेवल के नीचे ही ट्रेड करता रहा अगर इसको ऊपर की तरफ जाए तो फिर तो प्राइस हमारा इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम तो शॉर्ट ही करेंगे इसको बाई तो नहीं करेंगे फिलहाल अब डे टाइम फ्रेम पर हमने आपसे अच्छा हाँ वीकली पर एक चीज हमने आपसे और बताई थी वीकली पर आ जाइए ये जो एरिया है जहां पर भी अपने लेवल्स टच हो रहे हैं आप वॉल्यूम्स को ऑन कर लो एक बार देखो क्या वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं ना कि प्राइस आपका आपके लेवल को टच करे देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे फिर यहाँ कहीं पूरे में नहीं हुआ इस जगह पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए लेकिन लेवल टच नहीं हुआ यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए तो ठीक है हमने जो एरिया अपना ड्रॉ किया है एक तरह से हमको रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस होने के मिल रहे हैं कोई भी करे एक कैंडल करे दो कैंडल्स करे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो बस पता चल जाए कि ये वाला वो वो पॉइंट है 182.50 वो एरिया जहां पर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की नजर है प्राइस जैसे इस लेवल को टच करा वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं मतलब यहाँ पर कुछ तो हो सकता अच्छा डे पर भी हमने क्या बताया था आप देखो तो बन रहे हैं ना ए का जो सेकंड वाला फॉर्मेट है अपना एक दो तीन

वहां पर रश बढ़ता चला जाए प्राइस में देखो क्या हो रहा है इस एक जगह से ये अगेन एंड अगेन गिर रहा है नीचे की प्राइस जैसे बढ़ रहा है नीचे जा रहा है जैसे बढ़ रहा है नीचे जा रहा है हमने कहा था ना कि फोर आवर टाइम फ्रेम पर बस हम ये कंफर्म करने आएंगे कि जिस लेवल को हम कह रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पर रुक रहा है इस जगह पर ठहरा हो रहा है वो चीज हम कंफर्म करने के लिए आएंगे नीचे की तरफ देखो तो फोर आवर पर ये काम हो रहा है और लेवल चाहे जो हो लेवल पर प्राइस हमारा अगर टच हो रहा है एक बार और वहां पर अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं तो आप ये समझ लो कि वो लेवल बहुत सही है हम लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर है ना यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं यहां पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं प्राइस गिरा सही जगह पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं फिर देखो तो यहां पर प्राइस वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं टच हो रहा है देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहा है फिर से टच हुआ वॉल्यूम्स के ब्रेक टच हो रहा है वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट क्या गारंटी है अगली बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं होंगे और प्राइस यहां से नीचे नहीं गिर जाएगा हम यहाँ पर सेलिंग के प्रॉपर कन्फर्मेशन का तो तभी करेंगे ऐसा आंख बंद करके हमने बस यहाँ से शॉर्ट मार दिया भाई प्राइस हो सकता है ऊपर जाए ऊपर जाए तो चला जाए लेकिन हमारा व्यू अभी का क्या है सेल यहाँ पर जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पर अपने एंट्री के कन्फर्मेशन लेने के बाद में ही सेल करेंगे पूरा ऊपर हमने देख लिया अब आप पावर् पर आज हो रहा है ना बार बार उसी एक जगह से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है कुछ बचा करने के लिए अब कुछ नहीं है सारे काम हो गए हमें ये भी पता है हमें किस लेवल से ट्रेड करना है हमें ये भी पता है हमें किस दिशा में ट्रेड करना है हमें ये भी पता है कहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करना सिंपली वेट हम वेट करते हैं कि प्राइस हमारा हमारे लेवल पर आएगा हम काम करें रेन इंडस्ट्रीज नेक्स्ट वीक के लिए अपने पास एड करके आप रख लेना फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही प्राइस आपका आपके लेवल को टच करेगा आप काम जैसे ही ये वाला जो पॉइंट होता है ना यहां पर बस आपको अपने कंफर्मेशन उसके बाद में बनी रिजेक्शन रिजेक्शन के बाद गया अब ये इतना नीचे चला गया हो सकता है ऊपर जाता है एस भी ले लेता कोई बात नहीं एस जाएगा चला जाएगा हम देख लेंगे उसको बाद में फिर लेकिन इस जगह से जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना अगर एस भी जाएगा तो वो जेन्य स्टॉप लॉस होगा जेनुन स्टॉप लॉस होता है कि फिर जब आप उसको आगे कंटिन्यू करते हो इस तरह से ट्रेड आपने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए दस में से आप देख लेना छह से सात ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस सेव करके घर लेके जाओगे समझते हो उसका मतलब क्या होता है आप हर हाल में प्रॉफिट में बैठो लेकिन अब आप यही हरकतें इस एक जगह पर करो यहाँ पर जहां मन हुआ आपका आपने काम कर दिया इस एक जगह पर काम कर दिया यहाँ पर काम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा जैसे मीटिंग एंड हो फ कीजिए प्रणव फटाक जी हाँ कही हेलो हाँ कही सर जैसे की तीन डेट को मतलब तीन तारीख को आ, रेक्स लाइन जो फॉर्मेशन बनी है हमारे लेवल को होती हुई आ, उसके बाद में हमारे जो कंडीशन है हम 945 के पहले ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते अगर foot, आ, थ्री डेटर नाइन फिफ्टी का उधर ही ट्रैक्स लाइन फॉर्मेशन बना वहाँ से फॉल किया सर आपने जो रेम्पो चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम में जो दिखाया था बी एस ए टू उसको एक बार सर जो आपने चार्ट में रेम्पो चार्ट में जो बी एस ए टू का फॉर्मेशन दिखाया था टाइम फ्रेम पर

ठीक है सेम चीज मैंने बीटीसी में एक सपोर्ट का थाउजेंड का कुछ तो पे ये बाई भी आ रहा था तो इसको हम बाई में भी यूज कर सकते? कर, सकते SI कर सकते हैं ऐसा uh, तो तो uh, मतलब था 58, 000, आपको फिगर बता देता हूँ तो इसने सपोर्ट लिया और मार्केट रैक्स के फॉर्मेशन से अपसाइड चली गई ठीक है सपोर्ट ले लिया ठीक है अभी ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सेल में जैसे अभी आपने बताया था इन्वर्टेड हैमर था नीचे साइड हैमर था अगर ऊपर साइड का मतलब विक नीचे है और बॉडी ऊपर है तो भी क्या कंसिडर किया जाएगा कंसिडर किया जाएगा ना अगर विक नीचे है तो उस विक का हुँ. लो पॉइंट या फर्स्ट वाली कैंडल का लो पॉइंट विक सपोर्ट बनता है देखिए जैसे फर्स्ट कैंडल नॉर्मल है सेकंड कैंडल जो मेरी है उसका बॉडी ऊपर है और विक नीचे है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो हम कंसिडर करेंगे कर लेंगे और भी थर्ड कैंडल सेकंड वाली को लो लो को सरपास कर रही है तो अच्छा। वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं एंड वो हैमर चाहे अपसाइड हो या डाउन हो मतलब हाँ। इन्वर्टेड हो या नॉर्मल हैमर हो हम उसको कंसिडर करेंगे बस कर लेंगे जैसे ये है ना आप जिस फॉर्मेशन की बात करो कुछ इस तरह की दिख रही होगी नहीं अब यही चीज सर यही जो फॉर्मेशन है ये रेजिस्टेंस लेवल पे मिला मुझे अगर तो सुनिए सुनिए यहाँ पे अब जैसे ये फॉर्मेशन है जो फॉर्मेशन आप दिखा रहे हो ना हमको वो कुछ इस तरह की है जी मान के चलिए कि ये फॉर्मेशन है ना तो इसके पीछे का रीजन क्या है लॉजिक क्या है प्राइस में ये बनाता है एक सपोर्ट हाई बनाता है रेजिस्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस बाय सपोर्ट ये होता है अब यही हाँ ब्रेकआउट पे अब यही अगर रिवर्स हो जाता है रिवर्स इन द सेंस कि जैसे ये वाली फॉर्मेशन है हाई रेजिस्टेंस जो लो होता है वो सपोर्ट हाई टूटेगा तो बाय शॉर्ट पुण पुण है चीज़ 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 चीज़। उसके नीचे ही हमें शॉर्टिंग देखना है मतलब अगर ऊपर मतलब कि रेक्स लाइन मिल गया तो मतलब की मान लीजिए कि वो मार्केट ऊपर जा रहा है ठीक है फिर वेट करते हैं फिर हम लोग बाइक का ठीक जब तक चाइस अच्छा लेवल के नीचे है सेल देखो हम फिर से बता रहे हैं आपको अच्छा ऋषि कई बहुत छोटी चीजें हैं इनको लेकर मार्केट में जाकर के आप ट्रेड मत करने लगना अभी बहुत सारी चीजें आपको पता लगना बाकी है यस सर हम बताएंगे के करके जब तक कहे ना ट्रेड करने के लिए तब तक मत करना यस सर नहीं कर रहा वो तो अभी बस प्रैक्टिस करो इसकी आप प्रवीण हेलो प्रवीण साहब हेलो नमस्ते नमस्कार मैं ये पूछना चाह रहा था ये जो है वैसे को वीकली और डेली दोनों पे है हाँ, देख सकते हैं इसके हाँ। है। आशीष सर ने हाँ। हाँ, आशी अभी पूछा इसके अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं बाकी हाँ। हमने जो आपने पहले वाले वीडियो में बताया था हाँ। उसके अंदर थर्ड कैंडल सेकंड से कम होनी चाहिए कम होनी चाहिए पर इस बार अभी आपने एक एग्जांपल दिया जिसके अंदर ज्यादा थी थर्ड कैंडल सेकंड वाले से ज्यादा थी बड़ी थी

आपको अगर करंट मार्केट के दिखाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी पूछो क्यूँग क्योंकि मार्केट पिछले दो हफ्ते से लगातार गिर रही है बैक टेस्ट अगर हम चाहें तो बैक टेस्ट आप कर सकते हो यहाँ से कहीं से जैसे सेलिंग में रहे तो वैसे बाइंग में मिलने लगेंगे आप देखना लाइव मार्केट में देखना सारी चीजें अच्छे से समझ पाएगा अगर कहीं पर कुछ इश्यू या कंफ्यूजन होगा ना तो हमको बता देना बहुत डिफरेंट नहीं होगा डिफरेंस नहीं होगा सेम रहेगा हेलो जी मैंग सर जी हेलो सर ये, uh, ये रैमको सीमेंट में अभी अभी पड़ा है ये बच्चा चार्ट ओपन सर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अपना लेवल ड्रॉ करते हैं सर तो उसके बाद सर ये इसमें वो फाइव मिनट पे जाएंगे तो वो तो ब्रेकआउट दिखाएगा अपना लेवल और उधर कोई फॉर्मेशन बने तो बाइंग साइड

अभी मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे आपको एग्जांपल इसके मिलेंगे अभी तो ज्यादा एग्जांपल हमने दिए नहीं दो ही एग्जांपल मिलते हैं अभी आप देख लो क्या करोगे इसमें कोई भी कह देगा कि क्या करना है इसके अब आप डेली पर आ जाओ डेली पर भी देखो वही चीजें चल रही है अब आप चाहे तो फोर आवर पर आ जाओ चाहे वन आवर पर आ जाओ सेम चीज आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अब निकाल पर इसको देखो कई चार्ट्स देखो ऐसे भी होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे तो उसमें माथा मारी मत करना उसको हटाओ स्किप कर दो दूसरे चार्ट जाओ सादिक सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी हेलो जी हाँ कहिए

फिर डे में नहीं निकालेंगे हम आपको एक सेकंड डे पर ये गिरा हुआ है है। आप इसको स्विंग के लिए। आपको ये हमने क्यों बताया अगर हम इसकी एनालिसिस कुछ कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर इंटरडे ट्रेड करना इंटरडे ट्रेड करने के प्रोस्पेक्टिव हमारा व्यू हमारी एनालिसिस सारी इंटर डे के लिए ही होंगी तो कुछ हो लॉस हो प्रॉफिट उसको इंटरडे में निकाल दो आप अगर हम कोई स्टॉक उठा रहे हैं कि नहीं हमें इंटरटे नहीं करना है इसके ऊपर हमें लॉन्ग टर्म का भी हो या स्विंग ट्रेड करना है तो फिर हम स्विंग ट्रेड के लिए उठाएंगे ना उसको फिर इंटरटे नहीं करेंगे हाँ एक दूसरा तरीका होता है जैसे झुंझुन वाला करते थे हमने जो सुना है तो बातें होती है तो फिर उन्हीं बातों में कहीं इंटरव्यू चल रहा था कि, किसी ब, 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 के मुंह से ही हमने सुना था कि जब वो ट्रेड करने बैठे तो सारा माल उठाते थे कैश में कोई चीज अगर लॉस में जा रही तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते थे अच्छा उनका अपना हिसाब किताब रहता था कि रिलायंस उठा एस बैंक उठा, उठा लेंगे एक्सिस उठा लेंगे, उठा लेंगे, उठा लेंगे, उठा लेंगे। अब वो गिर, गिर तो गिर रहा है तो ऊपर ही लास्ट हो तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर वो इंट्रा, इंट्राडेकर है तो उठा लेते हैं तो वो मिथ है देखो तो उसका एग्जाम्पल लेकर अगर आप बैठे हुए तो फिर उसको मत कंसिडर करो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप सोच रहे हो

BTC BTC day uh, day में सर, सर है तो, USD, BTC, है day frame, day है सर, date है तो ठीक इसको ये यही वाला यही सर ये, वाला, ये, वाला। ये बाइंग दिख रही है इसमें जो बाइंग वाला पूछा था है ना अब एक चीज पूछनी थी सर यहाँ पे एंट्री मुझे जो उसके बाद वाली कैंडल होगी वो इसको जब सरपास करेगी जब उसको क्रॉस करेगी तब मुझे ले जी वो एक लास्ट कंफर्मेशन होगा नहीं इसमें करना क्या है ये सिक्स सितंबर की कैंडल क्यों लिया आपने जैसे सिक्स सितंबर की इन्होंने पूछी थी ना प्रणब प्रणब एग्जांपल दिखा दीजिए तो ये फर्स्ट कैंडल कैंडल, कैंडल हो गई, गई, सेकंड थर्ड उसको सरपास कर लेकिन यहाँ पे एक मसला है इसमें सर कलर दोनों का सेम तो सर कलर है, है? तो ये, ये है तो कहा बाइंग हो जाएगी सिक्स सेप्टेम्बर हो एक दो तीन ये तीन कैंडल्स आप ले रहे हो कहा जाएंगे आपको क्या लग रहा है छोटी कैंडल बन रही है हमें रिजेक्शन चाहिए हमें को इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए

ठीक, okay. सर, ठीक 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 है है सर सर ओके मेरा जो डाउट था था ना ना वो वीकली टाइम पर का एग्जांपल अभी क्लियर वेरी गुड आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अच्छा कल अपनी एक क्लास होगी वो ट्रेड डिस्कशन होगा ज्वाइन सभी लोग करेंगे और हमें जिनके भी साथ डिस्कशंस करने हैं कल की क्लास में वो सभी लोग क्लास के अंदर होंगे तो ग्रुप में हम फिलहाल तो मैसेज कर देंगे ज्वाइन सब लोग कीजिएगा सुनिएगा जो भी बातें होंगी जो डिस्कशन होते उनको जो हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा ज्वाइन सब लोग करना बाकी जिनसे हमें ट्रेड डिस्कशन करना है उनके साथ करेंगे आप लोगों का पूरे वीक का यही होमवर्क है कि जो हमने बताया उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी थैंक यू सभी लोगों को गुड नाइट और कल मिलते हैं वापस हैप्पी दशहरा आज दशहरा था गुड नाइट सब लोगों